दी ग्रेट खली और रोमर इस WWE हिस्ट्री के ये दोनों सबसे पॉपुलर रेसलर में से एक है। पर क्या हो अगर ये दोनों रेसलर में रियल फाइट हो तो कौन जीतेगा इस फाइट को, रोमर या फिर ग्रेट खली? वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो ऑलरेडी ये दोनों रेसलर के बीच में एक बार रियल फाइट हो चुका है, पर एक्चुअली में रोमर कभी अकेले ग्रेट खली के साथ नहीं भिड़े, ये ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर इनके साथ फाइट हुआ था और जिसके अंदर शील्ड बॉम्ब लगाकर इस मैच के अंदर रोमर की टीम शील्ड का विन हुआ था। पर हम जो कंपैरिजन करने वाले इस वीडियो के अंदर ये 2006-07 का ग्रेट खली का आज के ट्राइबल चीफ वाले रोमर के साथ कंपैरिजन होने वाला है, तो ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला। तो भाई अगर आप चैनल पे हमारे पहले बार आए हो तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज ऐसे ही कमाल का वीडियो आपके डिमांड पर हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो भाई देखो सबसे पहले अगर हम लोग अपने ट्राइबल चीफ वाले रोमर रेंज का बात करें तो मुझे बताने का कोई भी जरूरत नहीं हमारे ट्राइबल चीफ वाले रोमर रेंज ने अपने गिमिक के अंदर क्या कुछ किया है। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता ही होगा अभी करेंट टाइम में हमारे ट्राइबल चीफ रोमर रेंज लगातार 3 साल से पिन हुए WWE कंपनी के अंदर, और पूरे 3 साल में WWE के अंदर ऐसा कोई भी एक रेसलर नहीं है जिन्होंने रोमर रेंज को हराया, चाहे ब्रॉक लेसनर हो चाहे कोडी रोड्स, सारे रेसलर एक्चुअली रोमर रेंज से हारे हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली रोमर रेंज का सक्सेस विजय कहीं ना कहीं ब्लड लाइन कहा था, कहीं ना कहीं उनका जितने भी ब्लड लाइन के मेंबर है क्योंकि सारे मैच के अंदर उनको हेल्प करते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, आपको वीडियो के अंदर काम करेगा कि रोमर रेंज का एक्चुअली जितने भी मैच रोमर रेंज विन करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड लाइन एक्चुअली हेल्प करता है सारे मैचेस के अंदर। दूसरे तरफ अगर हम लोग द ग्रेट खली का बात करें तो भाई ग्रेट खली अपने कैरियर के प्राइम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेसलर थे। इन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर ही अंडरटेकर जैसे खतरनाक रेसलर को एक्चुअली हराया था। इसके अलावा शॉन माइकल जैसे रेसलर जो कि ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में आते हैं भाई, उस रेसलर को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा था स्मैकडाउन के ऊपर। इसके अलावा भाई उस समय के जितने भी रेसलर थे, चाहे वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना क्यों ना, भाई सारे रेसलर को एक्चुअली ग्रेट खली ने रिंग के अंदर हराया था। आप बस ये सोचो कि उस टाइम के जितने भी ग्रेट रेसलर थे एक्चुअली सारे रेसलर को ग्रेट खली ने हराया था, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, ब्रिटिस्टा हो, ट्रिपल एच हो, भाई सारे रेसलरों को हराया था। और उस समय ग्रेट खली का एक बड़ा फेमस मूव था जिसके अंदर वो रेसलर को हाथ से एक्चुअली नॉकआउट कर देते थे, और उस टाइम के जितने भी ग्रेट रेसलर WWE के अंदर थे, चाहे वो अंडरटेकर हो, केन हो, ट्रिपल एच हो, भाई सारे रेसलर को एक्चुअली इन्होंने नॉकआउट किया था। तो बात बहुत सिंपल है, ग्रेट खली 2006 से लेकर 2008 तक अपने कैरियर का स्टार्टिंग पॉइंट में अपने कैरियर का सबसे प्राइम पर पहुंच गए थे, और उस टाइम के WWE के अंदर जितने भी रेसलर थे सारे रेसलरों को ग्रेट खली ने बहुत आसान तरीके से डिफीट किया। तो चलते हैं हम अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर, आज के दिन में अगर ग्रेट खली का फाइट होता है हमारे ट्राइबल चीफ वाले रोमर रेंज के साथ तो इस फाइट के अंदर कौन जीतने वाला है? तो भाई देखो इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग एक्चुअली मेरा दो ओपिनियन रहने वाला, आप लोग सारे लोग ऐसे कमेंट से सारे लोग कंफर्म कर सकते हो। तो भाई देखो अगर आज के टाइम पे हमारे ट्राइबल चीफ वाला रोमर रेंज अगर ग्रेट खली से सिंगल 1v1 मैच के अंदर अगर फाइट करेंगे तो इस मैच के अंदर ग्रेट खली विन करने वाले हैं, क्योंकि भाई आज के टाइम पे रोमर रेंज हमारे भले ही ट्राइबल चीफ है पर ग्रेट खली के लेवल के एक्चुअल रेसलर नहीं बन चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेट खली अपने कैरियर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेसलर थे, उनके सामने खड़ा कोई भी रेसलर नहीं हो पाता था। पर हाँ अगर इस फाइट के अंदर अगर आकर ब्लड लाइन अगर रोमर रेंज का मदद करती जो कि हमेशा करती तो इस मैच के अंदर शायद रोमर रेंज भी विन कर सकते, क्योंकि भाई हमारे ग्रेट खली अकेले बहुत सारे रेसलर्स तो फाइट नहीं कर सकते, किसी एक ही रेसलर्स को फाइट कर सकते। वैसे आप लोगों का क्या लगता है इन दोनों के फाइट में कौन सा रेसलर जीतेगा? और सारे लोग सब्सक्राइब करके सारे लोग कमेंट सेक्शन में सारे लोग इस बात का जवाब जरूर से दीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो कौन से रेसलर के ऊपर आने वाला है भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे।